हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 11वीं कक्षा के गणित विषय के अंतर्गत पाठ 3 त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। 25 अंश वाला दिया हुआ है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। 25 अंश को रेडियन में बदलना है, 25 अंश को रेडियन में बदलना है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एक अंश बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। तो 25 अंश को चेंज कर लेंगे, 25 अंश बराबर 25 गुणे पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, यानी काटेंगे 5 बटे 25, 5 15, 5 36, 5 पाई बटा 36 रेडियन। ये दिया गया आपका पहला क्वेश्चन 25 अंश। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा दिया है 47 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 वाले का दूसरा -47 अंश 30 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। -47 अंश 30 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। सेम वही फार्मूला, एक अंश बराबर हम जानते हैं कि एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो -47 डिग्री पालिशन चेंज कर लेंगे, -47 डिग्री और 30 मिनट, चूंकि यहां से एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री है। एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 30/60 डिग्री हो गए, यानी टोटल हो जाएगा आपका, टोटल हो गया आपका -47 1/2 डिग्री हो जाएगा, यानी 14.95 हो जाएगा, -95.2 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 95 -95.2 × π/180 रेडियन। ये आपका रेडियन हो जाएगा, काट लेंगे 3 6 18 त्रिकोण 5 कटेगा 5 15, 5 6 30, 19 5 95 -19 π/72 रेडियन। ये आपका रेडियन हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या -47 डिग्री 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज कर लेंगे और फार्मूले में रख देंगे एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो 90 -95.2 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -19 π/72 रेडियन। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, ये चेंज करना है डिग्री में, चेंज करना है। कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और सबको डिग्री में चेंज किया गया, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया गया, और अब डिग्री को रेडियन में चेंज किया गया, अब हम चेंज करेंगे रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। तो यार हम फार्मूला वही यूज करेंगे कि एक अंश बराबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक
का स्वभाव पाई टीम सबसे रिलेटिव होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपना करके आया था ना, और फिर सबको ऐसे ही वो से अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में बदल सकते हैं। तो एक का स्वभाव पाई टीम सबसे रिलेटिव होता है, तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश हो जाएगा। एक रेडियन बराबर एक का स्वभाव पाई बटे 180 रेडियन, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई हो जाएगा। इसलिए 11 चेंज करना है, 11 बटे 6 है, तो 11 बटे 6 रेडियन को अंश में चेंज करेंगे, 180 बटे पाई और गुणे 11 बटे 16 अंश हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो काट पीट के छोटा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 8 16, 2 9 18, 90 हो गया, 2 4 8 और 45 हो जाएगा, 45 को 11 11 5 55 और 11 4 44 और 5 49 बटे 4 पाई, इतना अंश हो जाएगा। और पाई का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे कितना, 22/7, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 49 पाई/4 हुए 22/7। यहां से 11 × 22 11 × 44 5 11 5 55 और बटे 7 5 35 और 7 6 28 और 3 7 5 35 7 6 28 31/4 8 डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया। अब 315/18 315/8 में भाग देंगे, तो 315 में 8 से भाग दीजिए, कितना आता है 315 में 8 से भाग दीजिए, 8 3 24 और बच जाएगा 24 7 5 8 9 72 39 3, यानी 39 सही 3/ कितना जाएगा 8, यानी हो गया 39 सही 3/8 अंश हो गया। अब एक अंश में कितना होता है 39 डिग्री और 3 × 3/8/7 मीटर चलेगा। फिर इसको बुझोगा 8 और 30 यानी 90 जाएगा, 39 अंश और 90 2 × 4 और 15 × 45 45/2 ये हो जाएगा आपका मिनट। इसको आप कह सकते हैं 39 सही 22 × 44 1/2 22 सही सुन सकते हैं 22 सही 1/2 मिनट, ये हो जाएगा 39 डिग्री और 22 मिनट और 1/2 हुए 60 सेकेंड ले जाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं 39 मिनट 22 डिग्री मिनट 39 अंश 22 मिनट और ये 30 सेकेंड 30 सेकेंड ये आपका रियल हो जाएगा। रेडियो को हमने चेंज कर दिया किसमें, आंसर में 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड। इस तरह से सभी प्रश्नों को आप प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को आप बहुत इजी वे से हल कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में वह कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा, तो एक चक्कर में 360 अंश, पहिया जो है एक चक्कर में कितने का कोण बनाता है 360 अंश का, यानी 2 पाई रेडियन का वह कोण बनाता है। तो 360 चक्कर में वह कितने रेडियन का कोण बनाएगा, 360 में 2 पाई रेडियन का बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
360 चक्कर में और 360 में दो पाई लेने का कोण बनाएगा। अब एक मिनट यानी 60 सेकंड में कितना बनाएगा, एक मिनट यानी 60 सेकंड में वह कितने आंसर को बनाएगा, 360 में दो पाई रेडियन का, रेडियन का। इसलिए एक सेकंड में वह कितने रेडियन का कोण बनाएगा, 360 में दो पाई होगी 60 रेडियन का वह कोण बनाएगा। पहिया 100 कटेगा 6 से 36 6 से 36 6 गुना 12 रेडियन का वह एक सेकंड में कोण बनाएगा पहिया। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 3 का यह रिजल्ट हुआ। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर चार दिया हुआ है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का डिग्री माप का कोण बनाएगा, जबकि पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, एक वृत्त दिया हुआ है इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर और केंद्र पर और चाप की लंबी 20 सेंटीमीटर लंबाई की वृत्त की चाप, यह 22 सेंटीमीटर जो है ये चाप की लंबाई होगी। यहां से यहां तक अगर वो ये भी एक त्रिभुज है, ओ ए बी अगर इसका नाम दे देते हैं, सॉरी त्रिभुज नहीं, ओ ए बी ये दिया हुआ है, यह वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर और वृत्त की चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर द्वारा केंद्र को बने कोण का माप पूछा जा रहा है। तो इनके द्वारा दिया हुआ है यह बराबर जो है वृत्त का चाप बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और आर वृत्त की त्रिज्या यह दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। केंद्र पर बड़ा कोण पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या एंड थीटा बराबर यार अपन आर। यह एल दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थीटा बराबर 22/100 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं थीटा बराबर 22/100 सेंटीमीटर। अब ये 22/100 कोण है तो इसका माप रेडियन में होगा, ये रेडियन आ गया। अब आगे जो है आपको ये पूछा जा रहा है कि कोण कितने अंश का कोण बनाएगा, तो एक रेडियन बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। हम जानते हैं कि एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अब एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर हो जाएगा आपका 180 बटे पाई अंश हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश हो जाएगा। अब यहां से हम आपको निकालना है, हमको इसको अंश में बदल देंगे, या अगर 22/100 रेडियन दिया है इसको अंश में बदल देंगे तो बराबर हो जाएगा 22/100 और गुणे 180 बटे पाई अंश हो जाएगा, इतना पाई बटे इतना अंश हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं पाई का मान 22/7 रख दीजिए, गुणे 180 बटे 100 गुणे 22 और बटे 7 ऊपर चला जाएगा अंश, 22 से 22 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 5 10 2 9 18 963 बटे 5 अंश हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 12/7 12 से 3/5 अंश लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 12 अंश और 3/5 60 मिनट, 1 अंश बराबर 60 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका से काटेंगे 12 हो जाएगा 12/60 यानी 12 अंश और बात यानी 36 मिनट, ये आंसर हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 12 अंश 36 मिनट। इस तरह से यह क्वेश्चन
समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस दो फार्मूले इसमें यूज किए गए हैं, एक कोण और चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई मालूम है, त्रिज्या की लंबाई मालूम है, 22/100 रेडियन में है, कुछ कोण का मात्रक रेडियन होता है, और एक अंश में पाई 180 रेडियन होता है, तो एक रेडियन में 180/पाई अंश हो जाएगा फार्मूले के आधार पर। अब इसको 180/पाई से गुणा कर देंगे 22/100 को, तो यह अंश में चिन्ह जाएगा, पाई का मान 22/7 रख देंगे, गुणा भाग कर देंगे, या 63/5 अंश हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 12 से 3/5 अंश हो जाएगा, और 12 अंश हो गया, और 3/5 को फिर बदल देंगे, क्योंकि एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, तो 3/5 बस 8 सुविधा कर देंगे, काटने के बाद 36 मिनट हो जाएगा। इस तरह से आपका रिजल्ट प्राप्त होगा 12 अंश 36 मिनट। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसका व्यास, क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त का व्यास दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर दिया है वृत्त का व्यास, और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा की लंबाई दी गई है, एक वृत्त है जिसका व्यास आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई दिया हुआ है, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है, या 20 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई, और ये भी जीवा मान लिया जाए, और वो वृत्त का केंद्र मान लिया जाए, या तो आपका व्यास हो गया। अगर ये 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, या 20 सेंटीमीटर होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, तो OA, OB और AB, OA और OB और AB, ये तीनों 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC OAB, त्रिभुज OAB जो होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ही होता है, थ्री साइड आर इक्वल, और इसमें प्रत्येक कोण, यानी कोण A, कोण B और कोण AOB, यह प्रत्येक कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। अब जो है थीटा बराबर आपका हो गया 60 अंश, इसको आप बराबर लिख सकते हैं 60/π/180 रेडियन, यानी कट जाएगा 36/18, यानी π/3 रेडियन हो गया, π/3 रेडियन हो गया आपका ये। अब पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात की, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटी त्रिज्या, अब आपको मालूम है चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणे त्रिज्या, कोण आपका 5/3 है, और त्रिज्या आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 20π/3 सेंटीमीटर, 20π/3 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट हो जाएगा, 20π/3 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट, छोटे चाप की लंबाई 20π/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें वही फार्मूला कोण और चाप बटे त्रिज्या, और यह समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता ही है, आप जानते ही हैं, और कोण और चाप बटे त्रिज्या में रख दिया गया, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या क्रॉस मल्टीप्लाई से, और यह जो थीटा 60 अंश दिया हुआ है इसको रेडियन में चेंज कर दिया गया, तो रेडियन में 5/180 से गुणा कर दिया गया, 5/3 रेडियन, कोण का मतलब रेडियन होता ही है, और चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या 5/3 में 60 20 π/3 सेंटीमीटर,
छोटे चाप की लंबाई हो गई। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, यदि दो वृत्तो की समान लंबाई वाली चाप, दो वृत्तों की समान लंबाई वाली चाप अपनी केंद्रों पर 60-75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एन बराबर एन वन और एन टू, ये चाप की लंबाइयां क्या है, समान, दो बिंदु की समान चाप की लंबाई दिया हुआ, समान लंबाई की चाप यानी एन वन और एन टू एन की बराबर हो गया। और कोण दिया हुआ है केंद्रों पर कोण थीटा वन बराबर 60 अंश और थीटा टू बराबर दिया 75 अंश का कोण बन रहा है तो उनकी त्रिज्याओं में आर वन संबंधी आर टू आपको ज्ञात करना है, आर वन संबंधी आर टू का मान ज्ञात करना है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है, त्रिज्याओं में ज्ञात करना कोण दिया हुआ उनके संगत कोण बनाते हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, सॉरी त्रिज्याओं का ही अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटी त्रिज्या, थीटा वन बराबर हो जाएगा चाप एल वन अपॉन आर वन और थीटा दिया है, यहां से हमको आर वन ज्ञात कर दिया जाए, आर वन बराबर हो जाएगा एल वन अपॉन थीटा वन, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से थीटा टू बराबर हो जाएगा एल टू अपॉन आर टू, यानी यहां से आर टू आप निकाल सकते हैं एल टू अपॉन थीटा टू हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से आर वन संबंध है आर टू बराबर एल टू अपॉन एल वन अपॉन आर वन और जब पूरा हो जाएगा ये तो थीटा सॉरी आर वन का मान है आपका एल वन अपॉन आर वन थीटा वन है और एल टू अपॉन थीटा टू है, जब इसको पूरा करेंगे एल वन अपॉन थीटा वन घूमे थीटा टू अपॉन एल टू हो जाएगा और एल वन और एल टू एल के बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा थीटा टू बटे थीटा वन यानी 75 बटे 60 हो जाएगा यानी आर वन बटे आर टू बराबर 15 × 4 = 60 15 × 75 5 बटे कितना हो गया 4 आर वन संबंधी आर टू बराबर हो जाएगा 5 × 4 समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दो वृत्तों की चाप की लंबाइयां आपस में बराबर है, एल वन और एल टू आपस में क्या है बराबर है। अब पहले वृत्त का कोण 60 अंश का है और दूसरे वृत्त का कोण 75 अंश दिया हुआ है और उनकी त्रिज्याओं में अनुपात आपको ज्ञात करना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पहले वृत्त की चाप की लंबाई बटे पहले वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, यह निकल गया, यहां से आर वन निकाल दिया, यहां से आर टू निकाल दिया, फिर दोनों में आर वन बटे आर टू भाग दे दिया, ये निकल गया आपका या बाहर निकल गया थीटा टू बटे थीटा वन, थीटा टू का मान 75 अंश दूसरे वृत्त का कोण दिया हुआ है और थीटा वन जो दिया पहले वृत्त का कोण दिया 60 अंश, काट दिया 15 × 4 = 60 15 × 75 5/4 यानी 5/4 का अनुपात होगा। यह इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है, क्वेश्चन नंबर 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन मान को दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहां भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, पहला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यह चाप की लंबाई दिया गया है, चाप की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर पहला में और दूसरे में 15 सेंटीमीटर, तीसरे में 21 सेंटीमीटर और उसकी दो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन यहां है 75 सेंटीमीटर, तो चाप हो गया 10 और त्रिज्या उसकी हो जाएगी कितनी, ये आपका
ये आपका है तो ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी 75 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 5 × 10 5 × 5 = 25 एंड 2/3 कितना हो जाएगा 15, 2/15 अंश हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, यहां से कोण निकालेंगे, चाप का त्रिज्या, चाप की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, 15 × 75 1/5 रेडियन। और तीसरा दिया हुआ है यहां भी कोण हुआ चाप बटे त्रिज्या, यहां से भी आप लगा सकते हैं चाप की लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ये 75 सेंटीमीटर, 3 × 21 3 × 6 = 15 7 × 6 = 2 3 इस तरह से आप प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को बताएंगे।